हेलो फ्रेंड, ये है रेडमी 13C जो है 12 GB रैम और 128 GB मेमोरी के साथ आता है और मीडियाटेक डेमेंसिटी 6100 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि बहुत बढ़िया है इस क्वालिटी में इस प्राइस के अंदर। और फ़ोन के अंदर आपको एक चार्जर और एक USB केबल मिल जाता है और इसमें कवर नहीं है और एक सिम इजेक्टर टूल्स मिलता है। और ये रेडमी 12C का जो मॉडल है बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही शानदार सा मॉडल है जो कि आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है ऐसा मॉडल। और लगभग आप ज़्यादातर फ़ोन में इस मॉडल आप देख पाओगे। तो इसका जो कैमरा है, कैमरा थोड़ा सा ऊपर में आया है और जो फ्लैश लाइट है वो बिल्कुल मोबाइल बैक के साथ एकदम लेवल में है। और साइड में आपका फिंगरप्रिंट और का सेंसर मिलता है और नीचे में आपका जो एक पोर्ट और स्पीकर और माइक का जो पॉइंट मिलता है और ऊपर में इसमें हेडफोन जैक मिलता है और साइड में जो आपका सिम ट्रे का मिलता है। इसका जो बैक का फिनिशिंग है, जो बैक का जो कलर है ना, वो बहुत ही प्यारा सा एकदम तीन चार का डिज़ाइन का कॉम्बाइन में आपको दिखोगे। इसमें आप बहुत सारा चीज़ दिखोगे। और कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इस प्राइस के अंदर कैमरा क्वालिटी ठीक है। इस प्राइस के अंदर कैमरा क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है, एकदम से ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं, जो काम चलने लायक है। और फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है और गेमिंग फ़ोन है ये बेसिकली, और इसमें आप गेम बहुत ही तगड़ा खेल पाओगे। और लैग बैग थोड़ा बहुत कम दिखेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि लैग नहीं दिखेगा। 12 GB रैम है तो लैग नहीं दिखेगा, नहीं दोस्तों, लैग दिखेगा कुछ कुछ गेम में, हर गेम में नहीं लेकिन लैग दिखेगा। और आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है। और इसका जो फ़ोन मेमोरी में आपको दिखा देता हूँ, ये अपडेटेड वर्सन के साथ आता है और 128 GB इसका स्टोरेज है और 256 GB भी आप अवेलेबल मिल जाएगा और 13 से 14 हज़ार के अंदर ही मिलता है आपको इस फ़ोन। और इसका जो लुकिंग है बहुत ही अच्छा है, हाथ में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा